दोस्तों फाइनली हम हिलेसी यात्रा के लिए जो है निकल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैंने अपना दुकान बंद करके, दुकान जो है दो दिन के लिए बंद रहेगा। यहाँ पर मैंने अपना बैग ले लिया है, वहाँ पर मैंने कैमरा ले लिया है और यहाँ पर ये हमारा बाइक है। दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैंने अपना बैग वैग लटका लिए हैं और ये मेरा दुकान देख सकते हैं भाई। दो दिन के लिए बंद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आज मौसम थोड़ा जो है अच्छा है, जैसे कि आप देख थोड़ा सा बादल लगा हुआ है, तो गाड़ी पर बैठ गए हैं, चलते हैं अब। दोस्तों फाइनली हम अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे जो है आ चुके हैं। मैं अपने घर से नहीं लगाता क्योंकि जो भी लोग मुझे देखेगा सब यही पूछेगा भाई कहाँ जा रहे हो, इसलिए मैं जो है घर पे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे नहीं आया था। अभी यहाँ पे मैंने जो लगा दिया है, तो मैं यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ सबसे पहले करण भाई के वहाँ, क्योंकि करण भाई को पिकअप करके जो है जाना है भंसार बॉर्डर के पास। दोस्तों फाइनली हम करण भाई के गांव में जो है आ चुके हैं और इस चबूतरा के पास जो है रुके हुए हैं। करण भाई बोले हैं भाई 5 मिनट इंतजार करो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। यहाँ पर भी हम जो है पानी टंकी के पास रुके हुए हैं बेलही गांव में, तो देखते हैं कि करण भाई कब तक आता है। दोस्तों हम लोग जो है लोखा पहुंच चुके हैं और यह है लोखा का मार्केट। यहाँ पर मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि आवाज़ कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। यह है इंडिया का एंट्री गेट जिसको 1998 में बनाया गया है। यह है लोखा वाला एंट्री गेट, ठीक है। इसके जस्ट आगे थोड़ा सा आगे में यहाँ पे जो है इंडियन कस्टम का छोटा सा एक ऑफिस है और इसको क्रॉस करने के बाद ये हो गया नेपाल का एंट्री गेट। और इसके सामने सामने जो है यहाँ पर ठाड़ी भंसार ऑफिस है जो कि सिरहा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि नेपाल के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं और भंसार कटा के जो है आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो फाइनली हम लोग जो है भंसार ऑफिस पर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है लेसे ही जा रहे हैं और अभी जो हम यहाँ पे सिरहा में हैं, जैसे कि आप वहाँ पर देख सकते हैं हाथी भंसार इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम भंसार कटाएंगे 3 दिन के लिए। अभी मैंने गाड़ी का ओरिजिनल आरसी दिया है और ओरिजिनल जो है ड्राइविंग लाइसेंस दिए हैं। देखते हैं 3 दिन का भंसार कटाते हैं कितना पैसा हमसे लेते हैं। तो फाइनली हम लोग जो है भंसार ले लिए हैं। भंसार हम लिए हैं 3 दिन का और 3 दिन का लिया है हमसे नेपाली में 600 रुपया और इंडियन में 400 रुपया, यानी कि 135 रुपया हो गया एक दिन का इंडियन फीस और 200 रुपया हो गया नेपाली। तो आप इतना पैसा देंगे तो आपको 3 दिन का भंसार जो है मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते सभी लोग जो यहाँ पे आ चुके हैं। करण तो मेरे साथ पहले ही आ गया था और ये भाई सब पीछे रह गया था, तो अभी सारे के सारे लोग आ चुके हैं। ये हुआ परमेश्वर भाई ना, परमेश भाई जी, ये हो गया भाई आपका नाम परमेश्वर भाई जी, आपका नाम लक्ष्मण परमेश्वर, लक्ष्मण परमेश्वर। और ये भाई जी एक है अभी हम लोग जो है अच्छी एक्सचेंज भी करा लिए हैं, 1000 रुपया एक्सचेंज लिए हैं और 1500 रुपया जो हमें नेपाली में मिला है। तो 1500 रुपया देखते कब तक जो है खत्म हो जाता है। अभी सारे लोग आ गए हैं भंसार भी करने, तो अब चलते हैं। और ये भैया लोग भी जो है मेरे वीडियो पहले से यूट्यूब पर देखा हुआ है, पिछले साल भी देखा था और इस बार भी जो वीडियो है वो सब व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था। तो आप लोग भी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हिलेसी आना चाहते हैं तो पहले आप कहीं से भी अपने नज़दीक के बॉर्डर पर जाइए। बॉर्डर पर जाने के बाद जो है भंसार कटिए। भंसार कटाने के बाद जो है मिर्चैया, ये मिर्चैया से जो आप डायरेक्ट हिलेसी जा सकते हैं। ये भैया लोग भी है, काफी सपोर्ट किए हैं। आप लोग भी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस फाइनली यहाँ से जो है भंसार से निकल चुके हैं। ये था ठाड़ी भंसार कार्यालय सिरहा, तो यहाँ से भंसार कटा लिए हैं। आगे में नेपाली आर्मी की देखते चेक करता है। तो यहाँ पर जो है रोका नहीं है, मैं तो जाने दें। लहन है ये।
आएंगे हम लोग, आप मिर्चैया को मिर्चैया से फिर हम लोग कट लेंगे। यहाँ का देख सकते हैं, यहाँ पे जो काफी अच्छा मौसम है, और यहाँ दो पहाड़ दिख रहे हैं, चरण घाटी से रहते हुए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग पहाड़ दिख रहे हैं, इसी पहाड़ से होते हुए हम लोग वहाँ जाएंगे हिलेशी। तो यहाँ पर हम मिर्चैया में जो खाना खाने के लिए रुके हैं, तो यहाँ पर गाड़ी सब लगा दिए हैं, करण भाई हैं और वो भैया सब पीछे में हैं, और परमेश्वर भैया यहाँ पे हैं। परमेश्वर और आप नीतीश नाम है आपका, तो सबका नाम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इस होटल में ज़्यादा खाना खाने के लिए दिखाते हैं आपको क्या सब खाना मिलता है, उस खाने का जो है प्राइस क्या है। तो हम लोग अभी मिर्चैया आए थे गोल बाजार होते हुए, तो अभी यहाँ पर मिर्चैया में ये जो है ना, ये एक पार्क टाइप का, यहाँ जो आपको लेना है लेफ्ट लेना है, और ये वाला रोड जो है आपको, ये पहाड़ आप देख रहे हैं, ये वाला रास्ता जाएगा हिलेशी के लिए। तो खाना खाते हैं, फिर आपको जो है आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये भैया लोग जो हैं, ये भैया सभी हिलेशी जा रहे हैं, और इसका भी बहुत सारे ग्रुप हैं, सारे लोग हैं ना, ये सारे लोग एक साथ जा रहे हैं। बोला कि मुझे भी ब्लॉग में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। खाना लोग आपको निकाल रहे हैं, क्या सब यहाँ करण भाई खा रहे हैं, यहाँ पे खीरा खा रहे हैं, चावल मिला है, दाल मिला है, चरौड़ी मिला है, चौपर मिला है, भुजिया मिला है, साग भी मिला है, इतनी सारी चीज़ें खाने के लिए। तो फटाफट से खाते हैं दोस्तों। हम लोग खाना पीना खा के तो इधर मिर्चैया में घूम रहे हैं, क्योंकि सारे लोग जो अभी अलग अलग हो गए हैं, कोई खाना खाने के लिए गया है, तो कोई कपड़ा खरीदने के लिए गया है। तब तक यहाँ पर हम मिर्चैया के इस वाले ये है प्रभु बैंक यहाँ पे, और मिर्चैया का बाजार इस तरीके से जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे गाड़ी चलते हैं, जैसे काठमांडू लोग जाते हैं। तो मिर्चैया में नज़ारा कुछ ऐसा है जैसे कि आप देख सकते हैं, करण भाई और हम लोग साथ हैं, और बाकी भी लोग हैं अलग अलग हो गए, उन लोगों को ढूंढते हैं फिर एक साथ होके चल चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक दुकान पे आए थे हम लोग कपड़ा लेने के लिए, हम लोग तो कपड़ा घर से लेकर आए थे, लेकिन ये भैया लोग कपड़ा नहीं लिए थे, इस भैया के पास भी है, ये भैया लिए हैं, ये भी लिए हैं, और ये भैया सब यहाँ पे कपड़ा ले रहे हैं, बोलबम का कोई ले रहा है, इधर देखिए क्या सब ले रहे हैं बोलबम के लिए, कपड़ा ले रहे हैं, टी शर्ट ले रहे हैं, इंडिया का कपड़ा तो रेगुलर पहनते हैं, इसलिए नेपाल का भी तो थोड़ा कपड़ा पहन लेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों यहाँ पे बिलिंग हो चुका है, अभी हम आपको दिखाते हैं किसका जो है कितना रेट है। भैया ये कितने में दिया है? 700। इंडियन रेट तो नेपाली बोल रहे हैं हम, इंडियन रेट कैसे बोल रहे हैं, इंडियन रेट ये नेपाली में हो गया 700 रुपया, ठीक है। ये देंगे कितने दिए? 150। ये हो गया 100, यानी कि इंडिया में हो गया 100 रुपया, नेपाली 80 यानी ये तो हो गया, इंडिया में 100 हो गया, और ये नेपाली में 150 हो गया। इंडिया में कितने देते हैं? 80 रुपया। हमारा तो कैसे इंडिया खा रहा है, हमारा बेटा है वो सब कुछ दिखा रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हो जाएगा, यूट्यूब पे आपको हो जाएगा।
तो ये जो है यहाँ पर नेपाल में जो है थोड़ा सा महंगा है इंडिया से, इंडिया में जो हमको और भैया का ये जो है झोला है, ये है मिर्ची या चुप्पी का दुकान है जिसके आप देख सकते हैं। दुकान है आपका एस यस सौ जीन्स इंडिया से थोड़ा जो है महंगा कपड़ा मिलता है यहाँ पे नेपाल में। हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो एडिट करते टाइम पता चला कि भाई वीडियो जो है काफ़ी बड़ा बन चुका है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट वन में मैंने अपने घर से लेकर मिर्चिया तक का जर्नी आपको दिखाया है, ठीक है, और पार्ट टू में जो है मैं आपको मिर्चिया से लेकर हिलेजी तक का जर्नी दिखाऊँगा, और पार्ट थ्री में जो है मैं आपको होटल से लेकर पूरा रूम का टूर वगैरह जो भी पूजा पाठ होता है मंदिर का दर्शन होता है वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, और आधे टाइम का भी जर्नी जो है पार्ट थ्री में ही दिखा दूंगा। तो आप लोग जो है पार्ट वन टू थ्री जरूर से देखिए, ठीक है। तो पार्ट वन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, पार्ट टू वीडियो जरूर से देखिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।